गाइस मैं खतरों के खिलाड़ी में आ चुकी हूँ। Hi cuties, it's Yashita and welcome back to my channel and welcome back to another 24 hours challenge video. तो आज मैं finally एक बहुत ही long requested video film करने जा रही हूँ, which is living in my kitchen for 24 hours. And क्योंकि मेरा kitchen ऐसा open है, यहाँ पे बहुत open space है, तो अगर मैं नीचे यहाँ पे setup करके रहूँगी, तो थोड़ा easy हो जाएगा. इसलिए मैं करने वाली हूँ living on my kitchen counter for the entire day, overnight. आज मुझे यहीं पे सोना है, यहीं पे अपना खाना बनाना है, यहीं पे अपना काम करना है. एंड लेट्स सी इफ आई विल बी एबल टू सर्वाइव दिस चैलेंज और नॉट. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज देखते रहो एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो यार. एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. एंड यार नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. मेरा किचन आप देख सकते हो यू शेप में है, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. सो दिस काउंटर इज एक्चुअल किचन एरिया, मतलब यहीं पे मैं कुकिंग करने वाली हूँ. बीच वाला एरिया है, आई थिंक ये मेरा लाउंज एरिया काइंड ऑफ होगा अगर मुझे एडिटिंग करनी है या कुछ यू नो टाइम पास एरिया, जस्ट लाइक थोड़ा सा खुला स्पेस. ये वाला जो काउंटर है यहाँ पे अभी मैं अपना एक्चुअल बेडिंग बनाने वाली हूँ, तो कोई गद्दा वद्दा नहीं रखने वाली हूँ, नहीं तो बहुत ईजी हो जाएगा. तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एटलीस्ट चादर बिछा दे, दोहर बिछा दे कि थोड़ा सा कम्फर्टेबल हो जाए. तो पहले हम ये सेटअप कर लेते हैं. किचन काउंटर के ऊपर और यहाँ से मैं उतर नहीं सकती कल सुबह तक, तो मेरा चैलेंज अब स्टार्ट हो चुका है. अभी तक काफी कंफर्टेबल लग रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन की बर्थ होती है ना, वैसा लग रहा है. अच्छी बात यह है कि यहाँ से विंडो है ना, तो यहाँ से व्यू दिख रहा है मुझे दूर से बैठे बैठे भी, तो होपफुली मुझे ऐसा बोर और ऐसा ना लगे. एंड अभी मैंने एली को भी अपने पास बैठाया है क्योंकि इसके बाद मैं इससे ज्यादा मिल नहीं पाऊंगी ना, तो इसलिए अभी इसको मैंने अपने पास रखा है. बट डोंट वरी, अभी मैं इसको नीचे छोड़ दूंगी. हाँ क्यों दीदी आज यहीं पे सोएंगी, पता है तुम्हें? याद आएगी क्या तुम्हें दीदी की? बीच बीच में मैं तुमको यहीं बुला लूंगी, अपने पास मिली लव, मेरा बच्चा, मेरा छोटा छोटा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा. हाँ गाइस, मैंने अपना लैपटॉप और चार्जर भी ले आई हूँ यहाँ पे, तो सब कुछ अब सॉर्टेड है. बाकी कुछ भी चाहिए होगा तो मांगूंगी फिर मम्मा से. अभी मैं अपना थोड़ा पेंडिंग काम कर लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मेल्स हैं कुछ, वो रिप्लाई करूंगी. एंड आपको एली दिख रही होगी ना मेरे पास. अभी मैंने ट्राई किया कि मम्मी के पास चले जाए नीचे, पर ये कूद कूद के उसको यहीं आना है, उसको लग रहा है कि कुछ हो रहा है. यहीं पे अभी सो गई है, मैं भी अभी अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ, मेल्स रिप्लाई कर लेती हूँ. एंड उसके बाद लंच टाइम में आपसे मिलती हूँ, क्योंकि लंच मुझे यहीं पे आज प्रिपेयर करना है, वो एक अलग टास्क होगा. अपना यहीं ऊपर बैठे बैठे. अच्छी बात यह है कि इंडक्शन है, तो इसमें ऐसा कुछ आज वाज की टेंशन नहीं होगी मुझे. मम्मा ने मुझे तैयारी करके दे दी है, मतलब वेजिटेबल्स चॉप करके दे दिया है, सारे इंग्रेडिएंट्स रख दिए हैं, बस मैं बनाने वाली हूँ. मैं बताने ही भूल गई कि मैं क्या बनाने वाली हूँ. मैं बनाऊंगी आज वेजिटेबल पुलाव. क्योंकि ना वही सिंपल है, ज्यादा रोटी और सब्जी बनाने में ज्यादा मेहनत लगती, तो मैंने सोचा शॉर्टकट कर लेते हैं, जल्दी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं वरना लेट हो जाएगा. अभी मैं ऊपर से अपनी कढ़ाई उठा लेती हूँ पहले. मैं मुझे डर लग रहा है मैं ऐसे गिर ना जाऊं, बस पता है. बनाना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, पर व्लॉग करते टाइम या शूट करते टाइम ना ध्यान रखना पड़ता है. कैमरा इधर रखो, एक उधर लगाया हुआ है, अभी वो ऑफ किया हुआ है,
तो वो ज़्यादा ट्रिकी है, उतने में मुझे लगता है मेरी हीट जल ना जाए। पर अभी फ़िलहाल मैं सब्जियों को सॉटे कर रही हूँ एंड कढ़ाई में ही आज मैं पुलाव बनाऊँगी, विच इज़ माई फर्स्ट टाइम, मैंने कभी ऐसे नहीं बनाया। पर मम्मा मुझे बोल रही हैं कि बन जाएगा, उन्होंने बनाया हुआ है, तो मैं उन्हीं से पूछ पूछ के उनकी रेसिपी से बनाती हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। Here is my पुलाव, दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं पर होपफुली टेस्ट में थोड़े बेटर हो। जैसे मैंने पहली बार कढ़ाई में कुक किया ना पुलाव, तो थोड़े रेशोज आई थिंक गड़बड़ हो गए या कुछ तो हुआ है कि थोड़ा ओवर कुक हो गया आज। टेस्ट इज ऑल्सो ओके ओके, मम्मा का जैसा बनता है वैसा तो बिल्कुल नहीं पर कोई बात नहीं, काम चलाती हूँ मैं इससे आज। चेकिंग इन एट 4:30 PM। अभी इतने देर से ऊपर बैठ के ना थोड़ा स्टिफ लग रहा है। अभी इतने देर से मैं कॉल पे थी एक ब्रांड के साथ, तो वो चल रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। एली को आवाज़ दे के देखती हूँ कि वो मेरे पास आती है कि नहीं, नहीं आएगी तो बेइज्जती हो जाएगी, गजब बेइज्जती पर देखते वो आती है कि नहीं। एली गाइस मेरे को इग्नोर कर रही है मेरी बच्ची। एली आओ ना, एली इधर बाबा, हाय। गजब बेइज्जती है। नो भाव एट ऑल गाइस, एली तो हमको कोई भाव वाव दे नहीं रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपना काम ही कर लूँ थोड़ा बैठ के। तो अभी मुझे ना एक वीडियो क्लिप बनानी है, यूट्यूबर्स डिसाइड वाला कोलैब हो रहा है, कौन से स्पेशल यूट्यूबर के साथ हो रहा है वो तो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप देखना जब उनके चैनल पे आएगा। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं सेटअप करूंगी कैमरा, कैसे करूंगी वो जुगाड़ भी आपको दिखाती हूँ। एंड पीछे हमारा ये स्टडी टेबल डेस्क वाला ब्लू बैकग्राउंड आएगा, तो आई थिंक बन जानी चाहिए क्लिप। एंड मैंने मम्मा से एक अच्छा सा टॉप भी मंगवाया है अभी क्लोजेट से, एंड थोड़ा बेसिक मेकअप का सामान, क्योंकि मेकअप वेकअप का सामान मैं लेके ही नहीं आई थी। ये आइडिया मुझे अभी आया कि ये क्लिप मैं शूट कर सकती हूँ, तो मम्मा मुझे सब देके गई है, मैं आपको दिखाती हूँ पहले। क्योंकि इसके ऊपर ट्राईपॉड में मैं कैमरा सेट करके यहाँ पे रखूंगी, तभी हमारा पीछे बैकग्राउंड आ पाएगा। देन ये टॉप दिया है मम्मा ने चूज करके, अच्छा है, क्यूट ही टॉप है, तो इसको पहनूंगी। एंड ये इतना सा मेकअप का सामान है। बताओ, कभी मैंने सोचा नहीं था कि किचन में बैठ के मैं कपड़े चेंज करूंगी, पर आज ये भी कर लेते हैं। चलो अब फाइनली मेकअप स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने अपनी वापस से टी शर्ट पहन ली है, बहुत कंफर्टेबल है ये। मैंने शायद एक और वीडियो में पहनी थी, पर मैंने सोचा आज 24 घंटे यहाँ रहना है तो कुछ ऐसा ही पहनूं जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करूंगी। एनीवे अभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, बस 6 बज रहे हैं और एकदम पिच डार्क हो गया है बाहर, एकदम बादल आ गए हैं और बारिश स्टार्ट ही हो गई है, तो अच्छा भी है क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। बट या ऐसा मौसम थोड़ा डरावना भी लगता है मुझे, तूफान टाइप का। अभी देखते हैं क्या करूंगी मैं, थोड़ी देर चिल करूंगी, शायद चाय बनाऊ मम्मी और मेरे लिए, क्योंकि मम्मी भी मेरे साथ सुबह से स्टूडियो में ही है, कुछ भी चाहिए हो रहा है तो वही दे रहे हैं ना। तो मैं सोच रही हूँ हम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ गर्मा गर्म और मौसम का मजा लेते हैं। हाँ पैर पर दिख रहा है अभी, अरे दिखाओ फिर। हेलो गाइस, मैं खतरों के खिलाड़ी में आ चुकी हूँ क्योंकि मैं बारिश एंजॉय करने यहाँ से सिंक 5 घंटे हुए वहां बैठूंगी उस एज पे। बारिश की आवाज देखो, मुझे खतरों के खिलाड़ी वाली फीलिंग आ रही है। आराम से संभाल के। हाय एली, तुमने मेरी बेइज्जती क्यों की थी? ओह गॉड, एली ऐसे देख रही है तुमको। देखो एली को देखो पहले, ये देखो। हाँ, क्या अब प्यार आ रहा है मेरे पे? पहले तो इग्नोर किया गया था, पानी अंदर तक आ रहा है, पता है मम्मा छीने आ रही मेरे पास, दो लग रहा है क्या? गॉड वाओ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एंड क्या मस्त ठंडी हवा आ रही है, लगी नहीं रहा हमारा नोएडा है ये। मैंने सोचा कि ये सिंक पार करके वापस वहाँ कौन जाए, तो मम्मी को ही बोल दिया आप बना दो प्लीज चाय, तो ये मम्मा चाय बना रही है हम दोनों के लिए। देखो गाइस मौसम वापस से साफ हो गया, मतलब लिटरली 5-10 मिनट बारिश हुई होगी एंड अगेन द वेदर इज क्लियर। मैं बोल रही थी बारिश खत्म भी हो गई तो क्या हुआ, मौसम तो अच्छा ही है, बारिश जैसा ही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर द गरम गरम चाय।
गाइस मेरे से एकदम गरम गरम वाली चाय नहीं पी जाती, और आपको पता है मेरी मम्मा एकदम खौलती हुई चाय भी पी सकती है। पता नहीं कैसे हो, मेरी जीभ जल गई अभी इस केक सिप लेने के चक्कर में। मैं सोच रही थी थोड़ा बनूं मैं भी मम्मी की तरह सिप लेके देखूं, बट नहीं, बहुत गर्म है। मुझे पता है आपका तो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं बर्थडे सीरीज कर रही हूँ या नहीं, पर मैं बर्थडे सीरीज नहीं कर रही हूँ इस बार, शायद अगले साल करूँ। क्योंकि पता नहीं, मैंने पहले से कुछ प्लान नहीं करा था तो मैंने नहीं किया, और बहुत लोड हो जाता है सीरीज में, एंड आई वाज लाइक रहने देते हैं। वैसे ही हेक्टिक चल रहा था जुलाई का मंथ, सो आई ड्रॉप द सीरीज वाला चीज़। पर आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, बर्थडे से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारी आएंगी, भले ही सीरीज ना आए तो बर्थडे ग्लो अप आएगा, बर्थडे शॉपिंग आएगी, बर्थडे व्लॉग आएगा, तो ऐसे बर्थडे से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, व्हाट आई गॉट फॉर माय बर्थडे, जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे मुझे, हिंट हिंट मम्मा गिफ्ट देना। तो जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे ना मुझे, उसका भी जैसे मैंने पिछले साल बनाया था वो भी मैं बनाऊंगी। तो आपको बर्थडे का कंटेंट अच्छे से देखने को मिलेगा, गिव अवे भी डालूंगी मैं, बट या सीरीज में इस बार नहीं फिल्म कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने ना दिवाली पे अपने आप को बहुत एग्जर्ट कर लिया था, इतना कि मैं ज़्यादा दिवाली ही इंजॉय नहीं कर पाई थी, लास्ट डे मैं इतनी डाइट थी, तो मुझे इस बार वो नहीं चाहिए था, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। पर हाँ, अगर नेक्स्ट ईयर अगर आप चाहोगे तो मैं पहले से ही प्लानिंग करके चलूंगी, तो या देखेंगे तब की तब। इस बारिश वापस से स्टार्ट हो गई है, एंड मेरी चाय तो अभी बची है क्योंकि मैं एकदम गर्मा गर्म नहीं पीती हूँ, पर मम्मी की खत्म। पियोगे आप थोड़ी सी और? पी लूंगी, लेकिन मेरे को तो वैसे भी बारिश देखने में बहुत मजा आ रही है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि बाहर कूलर चल रहा है, इतनी तेज एसी एसी। एली को देखो, ये मौसम का नजारा ले रही है बैलकोनी के बाहर से, मैं इसकी वीडियो शूट कर रही हूँ, पर बैलकोनी के बाहर से देखो आप मुस्कान को, मम्मी ब्लॉगिंग कर रही है। एक दिन मैं सोच रही हूँ कि पूरी ब्लॉगिंग मैं करूँ। करो करो करो, मजा आएगा। अरे बहुत स्टूपिड लगूंगी। नहीं नहीं, आप व्लॉग करना, आप मैं बन, मतलब आप यशिता बनना, मैं मम्मी बनूंगी। मतलब हम लोग एक दूसरे के रोल स्विच कर लेंगे, तो व्लॉग में मुझे लेना, मैं काम वाम करूंगी। ठीक है ठीक है, फिर आप लोग बताना कि हम लोग ऐसा करें क्या। हाँ प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं कैसी बंदर लग रही हूँ ना ऐसे बैठ के, नहीं खिड़की के पास, नहीं बहुत प्यारी लग रही है, बस पिंजरे में है। आज अपने पैर नीचे नहीं रख सकते, आज अपने पाँव जमीन पे नहीं रख सकते। 8:30 हो गए हैं, अभी तक का टाइम तो काइंड ऑफ मजे में ही बीत गया, क्योंकि मम्मा यहीं पे है तो उनसे बातें हो रही हैं, एंड इतना पता नहीं चल रहा है। एक बार बीच में मैं नीचे उतरी हूँ वॉशरूम ब्रेक के लिए, तो थोड़ा स्ट्रेच व्रेच भी कर लिया, अब वापस आ गई हूँ, एंड इट इज़ डिनर टाइम। तो लंच में आपने देखा ना, मैंने गड़बड़ पुलाव बना दिया, तो मम्मी को मेरे पे तरस आ गया, तो उन्होंने अभी मुझे डिनर की प्रेपरेशन करके दी है। तो ये उन्होंने पनीर मैरिनेट करके दिया है, एंड मैं अपने एयर फ्रायर में बनाऊंगी पनीर टिक्का, तो मैं जल्दी जल्दी से ये स्क्यूअर्स में लगाती हूँ एंड एयर फ्रायर में डालती हूँ, फिर डिनर करेंगे। लगा दिया है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, रेस्टोरेंट जैसा। अभी ये जब कुक होगा ना एयर फ्रायर में, तो ये और अच्छा हो जाता है, एकदम क्रिस्पी गोल्डन यम्मी। बहुत ज्यादा भूख बढ़ गई अब तो मेरी। इसको मैं जल्दी से कुक कर लेती हूँ। डिनर इज रेडी, जिसमें मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की है, मैंने बस इसको एयर फ्रायर में डाल के पकाया है, पर ना बहुत अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर हो जाता है इसका एयर फ्रायर में, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास एयर फ्रायर है, आप जरूर ट्राई करना एक दिन पनीर टिक्का बनाने का। गाइज, मम्मा ने इस बार इसको कुछ अचारी पनीर टिक्का बनाया है, सो इट्स रियली यम्मी। बहुत ऐसा लग रहा है कि बाहर से ही ऑर्डर किया है, घर का लग ही नहीं रहा है। मेरी प्याज गिर गई। मम्मी ने बोला है कि वो मेरी थोड़ी बर्थडे पैम्परिंग करने वाली हैं, तो वो मेरा क्लीन अप करेंगी, क्योंकि अभी हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, टाइम पास है। तो मम्मी बोल रही है कि वो मेरा थोड़ा ऐसे क्लीन अप करेंगी, है ना, मजा आएगी तुम्हें। सोने से पहले रिलैक्स हो जाऊंगी मैं, और आज तो फुल पार्टी हो रही है, चैलेंज क्या है ये बताओ। फुल पार्टी आज तो। क्लीन अप के पहले मुझे अपना फेस वॉश करना पड़ेगा, जो मेकअप लगाया सब निकालती हूँ, इसलिए मैं अभी सिंक के पास आके बैठ गई हूँ। Thank you.
मुझे बहुत मजा आ रहा है। फुल पैम्परिंग मिल रही है बर्थडे से पहले। मजा तुम्हारा बर्थडे तो बनता है ना, मजा लेना तुम्हारा। और सब लोग आपसे पूछते हैं कि आपकी स्किन का क्या राज है। हाँ, मैं हमेशा सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है ना, आप लोग इतना अच्छा फील कराते हो, इसकी तो आप लोग तारीफ करते ही हो करते हो, उसके बाद अगर आप जब मेरी तारीफ करते हो ना, उस दिन मेरा दिल बन जाता है, मैं इतनी खुश होती हूँ। और आप लोग इतनी तारीफ करते हो मेरे स्किन की कि मैं क्या करती हूँ। तो आप राज तो बताओ, राज मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीक्रेट। ऐसा कोई विशेष राज नहीं है मेरा, बस यही है कि आप लोग अच्छे से फेस वॉश करो और बहुत सारे फ्रूट्स खाओ, बहुत सारा पानी पियो, स्किन अपने आप अच्छी हो जाएगी। 10 दिन पहले से ही पैम्परिंग स्टार्ट हो गई है मेरी। 10 दिन क्या, 1 जुलाई तो मतलब ठीक है, 4 महीने पहले से ही उसका स्टार्ट हो जाता है कि मेरा बर्थडे आ जाएगा। मुझे आप लोग यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का। गाइस, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लगा मुझे एंड मुझे अपनी स्किन भी काफ़ी फ्रेश सी लग रही है। एनी हाउ, अभी मुझे ये वीडियो, पूरी वीडियो जो मैं सुबह से फिल्म कर रही हूँ, वो एडिट करना है रात में बैठ के, बिकॉज मुझे ये वीडियो कल डालनी है। आप इसको लिटरली नेक्स्ट डे देखने वाले हो एंड ये चैलेंज सुबह तक चलेगा, ओवरनाइट है। तो आई डोंट नो मैं कैसे एडिट करने वाली हूँ इसको एक रात में, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी कितने बज रहे हैं, अभी 11 बजने वाले हैं, 10:51 राइट नाउ। तो मैं अभी से स्टार्ट कर दूंगी ना, तो कम से कम 12-1 बजे तक मैं सो पाऊंगी। और मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि रात में सोना कितना बड़ा टास्क होने वाला है। हाँ, आई रियली डोंट नो। अभी मैंने तकिया भी यहाँ शिफ्ट कर दिया है जहाँ मम्मी क्लीन अप कर रही थी, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा खुला खुला लग रहा है, वहाँ थोड़ा बंद है, तो मैं इसी डायरेक्शन में सोने वाली हूँ। एंड या बस अब एडिटिंग स्टार्ट करती हूँ एंड आपसे सुबह ही मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, सो इट इज़ फाइनली द नेक्स्ट मॉर्निंग। मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है मॉर्निंग वाली वॉइस एंड माई स्वोलन फेस, बट एनी वे ये वाला ओवर नाइट चैलेंज वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट आई हैव टू से, क्योंकि इतनी सी जगह पर सोना वॉज वेरी ट्रिकी। मुझे लग रहा था रात में मैं करवट लूँ और कहीं धड़ाम से नीचे ना गिर जाऊँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पर इस चक्कर में बहुत टूटी टूटी सी नींद आई, यू नो, तो या इट जस्ट यू नो इट वॉज अ लिटिल बिट टफ एंड माई बॉडी ऑल्सो फील्स वेरी स्टफी फॉर सम रीजन, बट या आई डिड इट। सो आई एम ग्लैड दैट आई एम डन विद दिस चैलेंज। अब मैं इसको जल्दी सेंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको पता है क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड या गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखना, सेफ रहना एंड सारे प्रिकॉशंस लेना, एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।